नमस्कार, मेरा नाम है फहीम और आपने शुरू कर दिया है देखना न्यूज़ इंडिया तक। आपको पता है कि कुछ ही देर पहले हमने खबर दिखाया था कि सिवान सदर विधायक और बिहारी चौधरी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम अलाव की व्यवस्था करेंगे, सिवान के चौक चौराहे पे अलाव की व्यवस्था करेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से पूरे ट्रैक्टर में, इन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने पैसे से, विधायक के फंड से नहीं, क्योंकि विधायक के फंड में पैसा नहीं है, हम खुद के पैसे से बातचीत हो रही थी उस दौरान, इन्होंने कहा कि हम खुद के पैसे से अलाव की व्यवस्था करेंगे। हालांकि ये सरकार को करना चाहिए, नगर परिषद को करना चाहिए, लेकिन सिवान सदर के वर्तमान विधायक जो हैं और बिहारी चौधरी जी, उनके तरफ से ये अलाव की व्यवस्था की जा रही है। गोपालगंज मोड़ पे ये अलाव की व्यवस्था की जा रही है, आगे भी चौक चौराहे पे अलाव की व्यवस्था की जाएगी। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आगे किन किन जगहों पे अलाव की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि कुछ ही देर पहले हमारी बात जब इनसे हो रही थी तो इन्होंने कहा कि अलाव की व्यवस्था सिवान के चौक चौराहे पे हम अपने फंड के माध्यम से करेंगे। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जाड़े का मौसम है और कड़ाके की जड़ा पड़ रहा है, वैसे स्थिति में मैं महसूस किया कि सिवान के भिन्न भिन्न चौक पर अपने द्वारा लकड़ी खरीद करके और अलाव के व्यवस्था किया जाए, ताकि गर गरीब रिक्शा है, ठेला है, अन्य लोग हैं, राहगीर है, यहाँ आग जो है तापने का काम करेंगे, उनके शरीर में गर्मी आवेगा। देखिए, कुछ ही देर पहले हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो आपने कहा कि अलाव की व्यवस्था की जाएगी और अचानक से आज ही आपने अलाव का व्यवस्था रख दिया। आज बहुत दिन खराब है, तीन दिन चार दिन से दिन खराब है, आज बहुत ठंड है, इसलिए मैंने कहा कि देर नहीं करेंगे, क्योंकि विधायक का दुनिया कोटा, हमारे पास कोनो एको रुपये का कोटा नहीं है। अब पहले के जो लोग थे अपना कोटा को इति श्री रेवा खंडे कर दिए हैं, इसलिए हम अपने द्वारा और अपने साथियों के मतलब सहयोग से इस तरह के लकड़ी मैंने शहर के भिन्न भिन्न चौक पर अभी अभी गोपालगंज मोड़ पे आप अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ आग जलाया जा रहा है, इसके बाद आगे किस किस चौराहे पे आप जाएंगे? यहाँ से हम चलेंगे जेपी चौक पर, और जेपी चौक से हम चलेंगे तो दरबार के पास, और दरबार से हम लोग चलेंगे तो अस्पताल मोड़ पर, और फिर जो है वहाँ से हम लोग बमुनिया रोड के तरफ जाएंगे, स्टेशन जाएंगे, रामराज मोड़ जाएंगे, डी ए भी मोड़ पर जाएंगे, बहुत जगहों पर शहर के भिन्न भिन्न महत्वपूर्ण जहाँ आवश्यकता है, जहाँ रिक्शा वाले, ठेला वाले, गरीब लोग जहाँ पर रहते हैं, ठहरते हैं, ता आग ही जलवा रहे हैं कि वो लोग तापेंगे, उनके शरीर में हीट आवेगा, गर्मी आवेगा। तो देख सकते हैं किस तरह से और बिहारी चौधरी जी जो है यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे किरोसिन तेल लगा करके आग लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ वो अभी आग लगाएंगे, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सर्द हवाओं से जो जिंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये गोपालगंज मोड़ पे अंबेडकर पार्क के सामने यहाँ पे अलाव की व्यवस्था की गई है, यहाँ आग जलाया जा रहा है, जो कि सिवान सदर विधायक खुद अपने हाथ से, आपको बताएं कि सिवान सदर के वर्तमान विधायक है और बिहारी चौधरी जी, जो खुद अपने हाथ से ही यहाँ आग लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमने दिखाया था आपको कुछ ही देर पहले, बस महज दो से तीन घंटे पहले हमने एक खबर दिखाया था कि न्यूज़ इंडिया तक के टीम से जब सिवान सदर विधायक और बिहारी चौधरी की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये नगर परिषद का काम है, लेकिन जब नगर परिषद नहीं कर रहा है या फिर सरकार की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है तो हम और हमारे साथी मिल करके, यानी हम विधायक के फंड से नहीं, खुद के पैसे से सिवान के चौक चौराहे पे अलाव की व्यवस्था करेंगे। और कुछ ही देर पहले, महज दो से तीन घंटे पहले, हमने एक खबर भी चलाया था कि सिवान सदर और बिहारी चौधरी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने अलाव की व्यवस्था करने की बात की है, लेकिन शाम होते होते उन्होंने अलाव की व्यवस्था की है और चौक चौराहे पे जाएंगे और हर एक चौक चौराहे पे वो जा करके अलाव की व्यवस्था करेंगे। तो आपको बताएं कि आप न्यूज़ इंडिया तक पे देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया तक पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और सबसे पहले और उत्तर बिहार का सबसे माना जाना चैनल और विश्वासी चैनल, जो कि एक सटीक जानकारी देता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले
जब सिवान सदर विधायक और बिहारी चौधरी से हमारी बातचीत हुई थी तो मैंने एक खबर दिखाया था जिसमें ये बताया था कि और बिहारी चौधरी की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जाएगी। तो अब वो वक्त भी आ चुका है और चौक चौराहे पे जा करके सिवान सदर के विधायक और बिहारी चौधरी अलाव की व्यवस्था करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अपने सहयोगी कैमरामैन जावेद के साथ फहीम, न्यूज़ इंडिया तक सिवान।